दोस्तों, मैं सुप्रिया आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइफ में। और दोस्तों, हमेशा की तरह हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि जब प्रकृति मौन धारण करती है तो कुछ विशेष प्रयोजन होता है, कुछ विशेष विकास की तरफ, एक निश्चित उद्देश्य की तरफ ईश्वर हमें आगे बढ़ा रहा होता है। और करेंट एनर्जी में डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फैमिलिन, हमारी ट्विन फ्लेम की जो एनर्जी है वो भी कुछ इस तरह से ही बिहेव कर रही है। उनके फिजिकल, मेंटल और इमोशनल चेंजेस के साथ सोल ग्रोथ किस पायदान पे पहुंची है, कौन से नए स्ट्रेटा पे न्यू कॉन्शियसनेस लेवल को अटेन कर रही है, इसके बारे में आज की हमारी रीडिंग है। जैसा कि आप सभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आजकल जो एनर्जी शिफ्ट्स आप सभी मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो आपने महसूस किया है, वो ट्रिमेंडस और बहुत ही अनयूजुअल भी कह सकते हैं, अनप्रिडिक्टेबल है। आप सभी खुद अनुभव कर रहे हैं, बताने की आवश्यकता बहुत नहीं है, मगर सभी को ये कलेक्टिवली फील हो रहा है, ये शायद बहुत कम लोग जानते हैं। तो मैं आपको जो डाउनलोड्स ईश्वर ने इस समय दिए हुए हैं उनके बारे में अवेयर कराने के लिए जो फोर्स आया है उसके बारे में बताना चाहूँगी। तो सबसे पहले आप सभी को एक विशेष संदेश है, वो ये है कि जब कभी आपके जीवन में एक हॉल्ट आता है या कहीं ऐसी स्थिति आती है कि आपके साथ कोई हेल्थ इशू हो या फिर कोई और रीज़न हो और आपके सारे प्रोसेस रुक जाएं और एक पॉज में आपको अलग यूनिवर्स खड़ा कर देते हैं, तो वहाँ एक मौन की स्थिति बन जाती है, जो कि मैं पर्सनली भी एक्सपीरियंस कर रही हूँ। कोई रीज़न ना होने के बावजूद आपको एक बहुत बड़े क्राउड से निकाल के साइड में खड़ा कर दिया जाता है और यहाँ पे यूनिवर्स आपके लिए कुछ स्पेशल गाइडेंस लेके आता है, जिसको आपको रेस्ट करते हुए, मौन लेकर, बिना किसी अदर कम्युनिकेशन या फिर थॉट के सिर्फ और सिर्फ डाउनलोड्स मिलते जाते हैं। यानी आप खुद कुछ नहीं सोच रहे हैं, ईश्वर आपको बहुत सारे संदेश ऐसे देते जाते हैं कि जैसे कोई टीचर आपके सामने बैठ के आपको पढ़ा रहा है और आपकी आंखें बंद करके आपसे कह रहा है कि सिर्फ सुनते जाना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यही जो आपको बताया जा रहा है वो सभी के लिए आगे ले जाना, ये आपका काम है। कुछ इस तरह की एनर्जी के साथ पिछले दिनों मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि मुझे किसी विशेष रीज़न की वजह से कुछ दिनों के लिए मौन किया गया। और कभी भी आपके साथ घटित होने वाली जो घटनाएं होती हैं, अक्सर उन्हें गलत लेने के बजाय या फिर उसको ये सोचकर कि कुछ हमारे साथ बुरा हुआ, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जैसे कि हमारे बहुत बड़े बुजुर्गों ने भी ये बात कही है कि जो भी होता है किसी विशेष वजह की वजह से होता है, और ये वजह अब मुझे समझ में आ रही है। पिछले दिन जो मेरे गुजरे हुए हैं, आप सभी का प्यार, आप सभी की ब्लेसिंग्स, आप सभी की प्रेयर्स ने बहुत बहुत हील किया मुझे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। आई प्रे माई ग्रेटिट्यूड फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट टू ऑल माई सोल मेंबर्स, माई सोल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कि आपने हर स्थिति में कनेक्टिविटी को बनाए भी रखा और आपका इतना सारा प्यार है जो इतनी जल्दी हील कर रहा है। ईश्वर भी बराबर हमारी हीलिंग करते रहते हैं, हमारी खुद की सोल भी ग्रोथ करती रहती है और अपने आप को हील करती है। और ऐसी सिचुएशन में जो कुछ भी होता है, मेरे साथ हो या आप सभी के साथ कुछ ऐसा होता है, तो उसको पॉजिटिवली ही लेना चाहिए। जब आप लगातार किसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और एक स्पीड को पकड़ते हैं, एक हॉल्ट दिया जाता है कि वहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट करके अपनी एनर्जी को सेव करें, रिसाइकल करें, और आने वाले नए चैलेंजेस के लिए एक विज़न मिलता है कि यहाँ से आपको रुक के देखना है कि जो चीज़ सामने अब आ रही है वो एक बिगर लेवल है, एक न्यू हॉरिजॉन में आप एंटर करने जा रहे हैं और
जैसा अभी आपने पिछले दिनों हम सभी ने जो स्पीड पकड़ी थी अपनी सोल ग्रोथ में, उससे कुछ हायर लेवल का एसेंशन मिलने वाला है, और उसके लिए आपको थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाता है। आप सभी की लाइफ में भी अगर ऐसा कुछ हो रहा है, टेक इट पॉजिटिवली। रीज़न कुछ भी हो, रीज़न बता के नहीं आएगा। और यही एनर्जी डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों के लिए अब सामने आई है, तो वो बहुत सारे डाउनलोड्स हैं जो आप सभी के लिए मैसेज हैं। मुझे एक वीडियो में नहीं, कई वीडियो में ये कन्वे करने होंगे। तो वन बाय वन आज का जो वीडियो है वो डीएम वर्सेस डीएफ की जो सोल ग्रोथ आई है उसमें काफ़ी अनयूजुअल चेंजेस मुझे बताए गए हैं, और वो ये है कि सबसे पहले हम बात करेंगे डिवाइन फेमिनिन की, उनकी थॉट, उनकी सोल स्ट्रक्चर में क्या चेंज आया है, और अपने मैस्कुलिन के लिए उनके क्या विचार हैं, इमोशनल फिजिकल वर्ल्ड में और हार्ट स्पेस में क्या वो फील कर रही हैं, इसके बारे में सबसे पहले आज फेमिनिन के बारे में बात करेंगे, ताकि आप लोगों को अपनी एनर्जी का रेजोनेंस मिल सके। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग इस एनर्जी के बारे में अपना फीडबैक ज़रूर दें। दोस्तों आइए बात करते हैं डिवाइन फेमिनिन के लिए। करेंटली डिवाइन फेमिनिन अपने सोल मिशन, अपने 3D वर्ल्ड की जो प्रोफेशन है, भले ही वो हाउसवाइफ ही क्यों ना हो, यहाँ सभी को काउंट किया जा रहा है, और ये फेमिनिन एनर्जी है, मे बी मैस्कुलिन बॉडी में भी फेमिनिन एनर्जी है, तो जो भी उनका वर्क है, जो भी उनकी वर्क फील्ड है, वहाँ पर ग्रोथ का सीजन चल रहा है। करेंटली फेमिनिन्स को बहुत सारे ऑफर्स आएंगे, और सबसे खास बात आप देखेंगे कि पूरे सराउंडिंग में जितने भी लोग आपके अगेंस्ट हुआ करते थे, एनर्जी एक तरह से आपको प्रोटेक्शन दे रही है। अगर आपके खिलाफ भी कोई बात कर रहा होगा, लेकिन आप बहुत अधिक प्रयास नहीं करेंगे, और आपको लगेगा कि कोई ऐसी एनर्जी है जो हर वक्त मुझे प्रोटेक्ट कर रही है, आपके काम बहुत इजी फ्लो में चलेंगे। आप प्रयास करें या ना करें, आपको ऐसा लग रहा है जैसे क्राउड से बचा के बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि आपको तैयार किया जा रहा है कि जो न्यू बिगर चैलेंजेस लाइफ में आगे आने वाले हैं आपकी सोल ग्रोथ के साथ, उसके लिए पूरी तरह से आपको प्रोटेक्शन में रखा जा रहा है। ये हुआ हमारे यूनिवर्स की एनर्जी जो प्रोटेक्ट कर रही है फेमिनिन एनर्जीज को। और अगर हम सोल लेवल की बात करें तो फेमिनिन्स अपने मैस्कुलिन के लिए कोई कंप्लेंट नहीं है इस समय। कंप्लेंट मतलब हमें मिलना है, एक सोल अर्जिंग हो रही है, सोल क्रेविंग हो रही है कि हम रीयूनियन की तरफ बढ़ें, और या फिर हम मिल भी चुके हैं तो हमारा सोल मिशन पे हमें एक साथ आगे बढ़ें, या फिर उनकी अंडरस्टैंडिंग को लेके जो पहले हलचल हुआ करती थी कि अब वो क्यों ऐसा नहीं कर रहे हैं, कैसे करेंगे, कब लौटेंगे, इस तरह के सभी सवाल आपके दिमाग से इरेज किए जा रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि आपको अपनी एनर्जी पे फोकस करने को गाइड किया जा रहा है। करेंटली डिवाइन फेमिनिन्स की बात की जाए तो उनके सारे 3D वर्ल्ड के जो काम हैं, अगर कोई लीगल इश्यूज भी हैं वो पेंडिंग हैं, तो उसमें भी आपको ज़्यादा पेन नहीं मिलने वाला, धीरे धीरे वो सारे इश्यूज से आपको बाहर निकाल लिया जाएगा। मीन्स अगर किसी का कोई लीगल प्रोग्राम है, कोई डिवोर्स का प्रॉब्लम है, या फिर कोई कार्मिक सिचुएशन ऐसी है जो आपको बहुत पजल कर रही थी और अब तक आप ना चाह के भी उनका साथ निभा रहे थे, अब वो सब पूरी तरह से क्लियर हो जाने वाला है। न्यू अपकमिंग जो एनर्जी है 21 का जो दिसंबर में एनर्जी आने वाली है, और साथ में जो फुल मून की एनर्जी है, वहाँ तक आते आते डिवाइन फेमिनिन पूरी तरह से सोल लेवल से और मेंटल लेवल से क्लियरेंस फील करेंगे। अगर मैं कम शब्दों में बात करूं तो वो ये है कि फेमिनिन एनर्जी करेंटली अगर किसी प्रॉब्लम में भी है, तो अब उनके सल्यूशन अपने आप से निकलते हैं, और जो उनके अंदर पहले एंजाइटी, एग्जर्शन और बहुत सारी पेन हुआ करती थी कि लोग ऐसा क्यों करते हैं हमारे साथ, या हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, तो किस तरह से ऐसी नेगेटिविटी या ऐसा जो नेगेटिव उनका रिस्पांस होता था डिवाइन फेमिनिन्स के लिए, चाहे वो उनके मैस्कुलिन का ही क्यों हो, अब वो चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं, ख़त्म हो रही हैं। और जो लोग मैस्कुलिन के बारे में अगर पूछना चाह रहे हैं, तो दोस्तों करेंट एनर्जी में डिवाइन फेमिनिन अपने मैस्कुलिन्स के लिए पूरी तरह से निश्चिंत हैं। एक्चुअली उन्होंने बहुत सारा वर्क इतना कर लिया कि जितना 100% इफेक्ट
हो सकता था उनका अपने मैस्कुलिन के लिए। वो सब कुछ उन्होंने उन्हें पे किया है और अगर रिजल्ट अभी भी नहीं आ रहा है पॉजिटिवली और कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस वो अपने मैस्कुलिन की तरफ से नहीं फील कर रहे हैं, तो यहाँ पे उनकी सोल ग्रोथ ये कह रही है, उनका विजडम ये कह रहा है, उनके इनर वॉइस ये कह रही है कि हमें अब और कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे एफर्ट में कहीं कोई कमी नहीं थी। और इस तरह का सेल्फ सेटिस्फैक्शन फेमिनिन्स फील कर रहे हैं और यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि उनकी सेल्फ रियलाइजेशन और एक्सेप्टेंस कि हमने अपने पॉसिबिलिटीज सारी उन्हें पे की हैं, अगर अभी चेंज नहीं है तो यकीनन यहाँ कोई डिवाइन टाइमिंग वर्क कर रही है, डिवाइन इंटरवेनेशन है कि आपको सही समय पे ही उसका फीडबैक मिलेगा फ्रॉम द मैस्कुलिन्स। तो इस तरह का सेटिस्फैक्शन डिवाइन फेमिनिन्स फील कर रही है, उन्हें कोई चिंता नहीं है। हाँ, इंतज़ार और क्रेविंग तो कभी एंडलेस है, वो कभी भी ख़त्म होने वाली नहीं है, लेकिन जो डेस्परेट एनर्जी हुआ करती थी कि कब कितनी जल्दी, वो सब ख़त्म हो चुका है और वो अपनी सेल्फ पे ज़्यादा फोकस कर रही हैं। फेमिनिन्स के लिए ऑब्स्टिकल्स ख़त्म हो रहे हैं कार्मिक सिचुएशन में भी और उनकी सोल जर्नी में भी, और ऐसे में कहीं ना कहीं उनके लिए भी ये मैसेज है कि सेल्फ पे ध्यान दें, अपनी इनर ग्रोथ पे ध्यान दें। और एक पॉइंट यहाँ पे और सामने आया है कि आपके लिए बहुत डीप मेडिटेशन अगर कोई है तो वो सिर्फ ये है कि मौन, पीस और रेस्ट। जैसा कि आपको बताया गया कि अभी तक हम प्रैक्टिसेस पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे, लेकिन अब की जो स्थिति है वो सोल की लाइट को, सोल की एनर्जी को कंसोलिडेट करने की पावर को एक जगह कलेक्ट करने की बात यहाँ पे डिवाइन की तरफ से आ रही है कि डिवाइन फेमिनिन हो या मैस्कुलिन हो, उन दोनों को इस तरह की सिचुएशन में डाला गया है कि आप कहीं ना कहीं अपने अंदर खो जाना चाह रहे हैं और अपनी ही एनर्जी को बाउंस बैक कर रहे हैं, खुद को ही पा रहे हैं, खुद की लाइट में ही अपने आप को ढूंढ रहे हैं। और यही ईश्वर चाहते हैं कि करेंटली आपके अंदर की जितनी भी पावर्स हैं, जो भी स्किल हैं, जो भी इंट्यूटिव पावर्स हैं, या फिर आपकी अब तक की इकट्ठे किए हुए जितने भी लेसन्स हैं उनको आप रिकॉल करें। जो कुछ भी ऐसा है आपको पेन दे रहा है उसको बहुत ईजी वे में आप फिल्टर कर पाएंगे और कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पूरा सपोर्ट है यूनिवर्स का। अब आपको कोई चिंता नहीं रिश्तों को ज़बरदस्ती बांधने की। डिवाइन फैमिलीज के साथ भी ऐसा है और मैस्कुलिन का भी कलेक्टिवली एक जैसा ही रिजल्ट आ रहा है कि वो जिन बाधाओं और चिंताओं की फिक्र ज़्यादा किया करते थे अब उन्हें भी परवाह नहीं है, क्योंकि उन्हें भी लग रहा है, यहाँ मिररिंग दिख रही है, उन्हें भी लग रहा है कि हमने अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं की। और फिर भी अगर कोई जाता है तो जाए, एक बार भी फिक्र नहीं हो रही है कि अब क्या होगा 3D वर्ल्ड में। कुछ इस तरह की एनर्जी फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों के लिए है। और एक दूसरे के लिए जो फिर बात करें, फेमिनिन एनर्जी अपने मैस्कुलिन पावर के लिए पूरी तरह निश्चिंत है। अगर कई सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो फेमिनिन चाहती हैं कि मैस्कुलिन इन्हें हील और रिकवर करें, तो उसके लिए यहाँ पर वो बार बार ट्रिगर ज़रूर दे रही हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड कट टू कट बात कर रही हैं, कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं शो कर रही हैं। और जो बिग पॉइंट सामने आ रहा है वो ये है कि फेमिनिन एनर्जी जो पहले बहुत ज़्यादा वल्नरेबल फील कराया करती थी अपने आप को, कि अपने इमोशन पूरे खोल के उनके सामने बोल दिया करती थी, आज वो बहुत फर्म और कंटेंट होकर अपने आप को पूरी तरह पहचान रही है। सेल्फ इस्टीम की जहाँ तक बात है, फेमिनिन एनर्जी पूरी तरह से सेल्फ इस्टीम पे है और उन्हें पता है कि झुकने से या फिर बहुत ज़्यादा अपने आप के इमोशन को जब हम किसी के सामने रख रहे हैं, भले ही वो हमारे मैस्कुलिन ही क्यों ना हो, तो ऐसे में ओवरलुक किया जाता है हमें, और इस बात को वो पूरी तरह समझ चुकी हैं। तो यहाँ सेल्फ लव और साथ साथ सेल्फ इस्टीम की भी बात आ रही है। ये बात उन्हें पूरी तरह से समझ में आ चुकी है कि हम जब तक अपनी वर्थ को नहीं पहचान रहे हैं तब तक हम उन स्किल्स को बाहर नहीं ला पाएंगे। हमें खुद में बिलीव होना चाहिए। अपनी सोल की ग्रोथ पे वो बहुत वर्क कर रही हैं और बहुत एम्पावर भी फील कर रही हैं।
डे बाय डे उनकी इनर लाइट उन्हें बहुत कुछ विजडम प्रोवाइड कर रही है और ज़्यादातर टाइम फैमिलीज खुद के साथ ही बिताना चाह रहे हैं। अगर आप जॉब में भी हैं तो आपको जॉब भी इजी गोइंग फ्लो में चलते जा रहे हैं। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपकी ड्राइविंग चलती जा रही है, मगर आप कहाँ हैं ये आपको फील नहीं हो पा रहा है। जबकि 3D वर्ल्ड में यानी आपका माइंड और आपकी बॉडी पूरी तरह से कॉपरेट कर रही है। ऐसा नहीं है कि आप खो जाते हैं, बल्कि आप अपनी सोल के साथ ज़्यादातर टाइम अपने साथ बिता रहे हैं। और मे बी जो सिचुएशंस हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि हॉल्ट आ सकते हैं, कोई रीज़न ऐसा आएगा, उसको पॉजिटिवली ही लें डिवाइन फैमिलीज, कि आपको 10-5 दिनों के लिए या हो सकता है इससे लंबे समय के लिए आपको रेस्ट में और पीस में बिठा दिया जाए। रीज़न कुछ भी हो सकता है, उसमें आपको उदासी नहीं होनी है, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने अंदर हीलिंग को फील करेंगे। और यहाँ तनिक भी रत्ती भर भी फिक्र नहीं है कि मैस्कुलिन क्या कर रहे हैं। इस एनर्जी का सामना करने के लिए आप तैयार रहें और ये 1000-1000 टाइम आपको पावर फील कराएगी। न्यू कॉन्शियसनेस में आपका जो अब जिस जोन में आप एंटर कर रहे हो, यहाँ पे इतनी पीस है, वो जो कनेक्शन आपका मैस्कुलिन से था, वो अब तक आप 3D बिहेव कर रहे थे, ये चीज़ यहाँ से आपको पता लगेगी कि कितना चाइल्डिश, कितना किडिश बिहेवियर हुआ करता था। जो स्टैग्नेंट एनर्जी आपकी यहाँ पे होने वाली है इस हॉल्ट में, वो सेल्फ एनालिसिस की है। और यहाँ आप खुद की ही वीक पॉइंट्स पे एनालिसिस करेंगे कि ये हमने कैसे किया था। आज तो हमें लगता है कि ये तो बहुत बचकानी बातें हुआ करती थी जो हम डेली डिस्कशन में या कॉन्वर्सेशन में या अपनी फाइट में किया करते थे। ये तो बहुत बड़ा बचपना था जिसके लिए हम बेवजह लड़ा करते थे। आज वो पीस, वो शांति और फ्यूचर के लिए आप पूरी तरह से अपने आप को तैयार करेंगे। तो करेंटली मैस्कुलिन के पार्ट से आपको जो पेन, इमोशनल पेन आप फील किया करते थे, अपने अंदर का जो डिस्परेट फीलिंग हुआ करती थी, वो सब आपको ख़त्म होते हुए नज़र आएगी। और ये बहुत बड़ी डिवाइन ब्लेसिंग है। आपका इनर विजडम, इनर लाइट, आपका पोटेंशियल, आपकी स्किल्स, आपकी इंट्यूशन, आपकी साइकी कैपेबिलिटीज बहुत स्ट्रॉन्गर वे में आपको सपोर्ट करने जा रही है। गाइडेंस ये है कि जो लोग डाइट पे चल रहे हैं, जो भी फैमिली एनर्जीज ये सोच रहे थे कि हम अपनी डाइट को फॉलो कर रहे हैं कुछ, अभी जो आप चेंज करेंगे वो ये है कि एक्सेसिव फीडिंग आप करेंगे। विचार शून्य हो जाएंगे, बट आपकी ईटिंग हैबिट्स में एक्सेसिव फीडिंग करेंगे, क्रेविंग होगी बहुत सारी, आपको भोजन की आवश्यकता पड़ेगी। और ज़रूर आप हेल्दी डाइट को फॉलो करें, जो आप 3 मील लिया करते थे, मे बी वो 3-6 हो जाएं, लेकिन आपको ये अपनी बॉडी को नरिश करना इस समय बहुत ज़रूरी है। हेल्दी फीडिंग कराइए, विचार भी अच्छे ही रखिए। आपकी जो ये ग्रोथ हो रही है, सोल ग्रोथ, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेवल पे बिल्कुल करीब हैं आप। न्यू जो फुल मून एनर्जी है, इसमें आपको बहुत बड़ी सी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। इस बात का संदेश भी मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से। करेंटली अब हम बात करेंगे डिवाइन मैस्कुलिन्स के साथ क्या चल रहा है। दोस्तों, एक पावरफुल बूस्ट उनको मिला है यूनिवर्स की तरफ से। सबसे पहला जो चेंज आया है डिवाइन मैस्कुलिन्स में, वो ये है कि अपनी फैमिलिन के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट वो फील कर रहे हैं। और जैसा कि यहाँ बताया गया है, मिररिंग की एनर्जी है, फैमिलिन भी बात नहीं करना चाह रहे हैं उस तरीके से जैसी एक लव एनर्जी में कॉन्वर्सेट किया करते थे। करंट सिचुएशन में फैमिलिन भी अपने आप को कहीं ना कहीं रोक के रख रहे हैं, और इसका रीज़न ये है कि वो अपने इमोशंस को ऐसे खुली हवा में नहीं छोड़ना चाहते। मतलब अभी जो चीज़ वर्दी है उसको रिस्पेक्ट करना उन्होंने सीख लिया है, कि हम अपने इमोशन तभी जाहिर करेंगे जब सामने वाला उसको सुनने के लिए पूरी तरह से टाइम लेके आएगा। तो बिल्कुल वैसे ही मैस्कुलिन एनर्जी का ये है कि वो टेलीपैथिक कनेक्शन में आपसे बहुत बहुत ज़्यादा क्लोज फील कर रहे हैं। और ऐसे में आपकी प्रेजेंस, मीन्स जो मैस्कुलिन एनर्जी है, वो अपनी फैमिलिन को अपने इनर लाइट में ही फील कर रही है, अपने आप को कंप्लीट फील कराने की कोशिश कर रही है। आउटर वर्ल्ड में, मीन्स 3D वर्ल्ड में फैमिलिन क्या रिएक्ट कर रही है, बात भी हो रही है कि नहीं हो रही है, या पिछली जो भी बातें उन्होंने
ट्रिगर के फॉर्म में उन्हें दी थी, उन सबको उन्होंने वैनिश कर दिया है। मैस्कुलिन भी इस समय थॉटलेस है। कार्मिक सिचुएशन में जो डीलिंग है उसमें भी वही मिररिंग हो रही है कि वो बाउंड नहीं करना चाह रहे हैं किसी कार्मिक सिचुएशन को। उन्होंने भी ये सोचा है सोल लेवल से कि जो हमें कोशिश करनी थी, जो एफर्ट डालने थे जिन सिचुएशंस को संभालने के लिए, वो हमने 100% डाले। अगर अभी भी वो नहीं रुक रहे हैं तो उन्होंने भी यूनिवर्स के चैलेंज को, यूनिवर्स की मंशा को समझा है और जाना है कि वही जो चाहते हैं वह होगा। हमने अपना एफर्ट लगाया, अब अगर कोई नहीं रुकना चाह रहा है तो ये फियरलेस होकर उस चीज़ को जाने दे रहे हैं। अभी तक मैस्कुलिन बहुत इनसिक्योर हुआ करते थे, आज उन्होंने भी अपने सराउंडिंग एक इनविजिबल वॉल खड़ी कर दी है। कोई आ रहा है तो अपनी मर्जी से आए, हमें भी अपनी एनर्जी को संभाल के रखना है। और अगर कोई जा रहा है तो वो बड़े प्यार से जा सकता है, हमें कहीं कोई क्वेश्चन नहीं उठाना है, कोई परेशानी नहीं हो रही है, कोई एंजाइटी नहीं फील हो रही है। जितना मैस्कुलिन इनसिक्योर हुआ करते थे अपनी इमेज और प्रेस्टीज को लेके, अपनी वैल्यू को लेके, वो हमेशा उनकी एक ड्रॉबैक रहता है कि वो कार्मिक्स के साथ भी उनके दिल में ज़बरदस्ती अपनी जगह बनाने की कोशिश किया करते थे। अपनी गुडविल के लिए वो वर्क किया करते थे कि पूरी दुनिया मुझे, मेरे प्रभाव को समझे, मेरे प्रभाव को जाने, और जहाँ भी मैं जाऊँ मेरी तारीफ हो, मैं फोकस में रहूँ। और जो मैस्कुलिन का चार्म होता है वो ये है कि दुनिया मुझे एक लीडर की तरह, एक बड़ी एनर्जी के रूप में या एक फोकस में, लाइट में, लाइमलाइट में हमेशा वो बने रहना चाहते हैं। तो उस तरह की एनर्जी से अब वो दूर भाग रहे हैं। अभी मैस्कुलिन भी शांति की दिशा में बढ़ रहे हैं। उन्हें भी ये लग रहा है कि मैंने अब तक जो कमाया वो कहीं वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन इसके लालच में मैंने कहीं अपनी इनर पीस को खोया है। और फैमिलिन के लिए जो उनकी फीलिंग्स हैं वो ये हैं, काफ़ी हद तक उन्होंने अपने इस रिलेशन को, अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को और फैमिलिन के साथ जो उनकी बॉन्डिंग है, वो डिवाइन बॉन्डिंग को अब वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं। 3D वर्ल्ड से कहीं ना कहीं धीरे धीरे उनका पीछा छूट रहा है, कॉर्ड कट हो रहे हैं। और पहले तो ये ऑटोमेटिक हो रहे थे, अब मैस्कुलिन भी बिना कोई परवाह किए जो चीज़ वर्क में नहीं है, जो उनके लिए सर्व नहीं कर रही, उसको बहुत प्यार से रिलीज़ कर रहे हैं। अगर वो मनी की तरफ भी भाग रहे थे, अपने वर्क से ज़्यादा प्रायोरिटी मनी को भी देते थे और मनी से ज़्यादा प्रायोरिटी भी अपने इश्यूज़ को देते थे, अपनी खुद के प्रेजेंस को, अपने चार्म को, खुद को वो अपने आप को प्रायोरिटी दिया करते थे, आज वो ऐसा नहीं है। उन्हें ये समझ में आ गया है कि अंदर की जो शांति है और उस शांति के अंदर जो उनकी फैमिलिन की इमेज है, जो छाया है, वही उन्हें कंप्लीट फील कराती है। और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ वो पूरी तरह से मर्ज हो चुके हैं। आपकी अगर बात करें डिवाइन फैमिलीज, तो मैस्कुलिन कभी भी आपके लिए बुरा नहीं सोचते। ये एक बहुत पावरफुल क्वालिटी होती है डिवाइन मैस्कुलिन की। जितना फैमिनिन कंप्लेन करती है मैस्कुलिन से, उनके लिए दूसरों से भी बात करते हुए वो अपने मैस्कुलिन के वीक पॉइंट और ड्रॉबैक्स बताते हैं, लेकिन मैस्कुलिन एनर्जी की एक बहुत खूबसूरत, बहुत पावरफुल क्वालिटी ये है कि भले ही आपस में कितना झगड़ा करें अपनी फैमिलिन के साथ, लेकिन वो कभी भी अपनी फैमिलिन एनर्जी की कोई भी नेगेटिव बात या कोई बुराई किसी और से नहीं करते। वो खुद के अंदर ही उनके पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेट्स को एनालाइज करते हैं और नेगेटिव ट्रेट्स को वो छोड़ देते हैं और पॉजिटिव में एंजॉय करते हैं। उनकी प्यारी बातें, खूबसूरती, उनका डिवोशन और साथ साथ जो केयर है, उसी में वो आनंद महसूस करते हैं। इसीलिए रीज़न ये है कि जब फैमिलिन कहती है कि वो हमें खुल के बोलते क्यों नहीं, एक्चुअली जब आपसे वो नाराज़ भी हो जाते हैं या आप उनसे झगड़ा कर लेते हैं फैमिलिन्स, तब भी मैस्कुलिन अपने हार्ट सेंटर में जो प्यार आपने उन्हें दिया है पास्ट में, वो सबको रिकॉल करके कलेक्ट करते हैं और उसमें अपनी दुनिया बना के खोए रहते हैं। आउटर वर्ल्ड में आप हों या ना हों, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। तो करंट सिचुएशन में भी मैस्कुलिन ने कुछ ऐसी ही स्ट्रैटेजी रची है। अगर आपसे कहीं डिसकनेक्टेड हैं भी किसी भी रीज़न से, डिस्टेंस की वजह से या आपके अंदर जो
थोड़े से एनर्जी ग्रोथ की वजह से आप दोनों ने सेपरेशन लिया है, वो डिवाइन की वजह से ही है, मंशा है यूनिवर्स की कि इस समय सोल ग्रोथ का टाइम है और आप थोड़ी देर किसी ना किसी रीजन से सेपरेट रहेंगे। अपनी विल से भी आप दोनों कम बात कर रहे हैं या मैसेज करने का मन नहीं है या बातचीत नहीं है, देन इट्स ओके, ये आपकी ग्रोथ का पीरियड है। और ऐसे में भी मैस्कुलिन्स आपको पूरी तरह से रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपकी प्रेजेंस को उनके हार्ट सेंटर में इंजॉय कर रहे हैं, पीस फील कर रहे हैं। और यस, यहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉइंट और मिस हो रहा था, वो ये है कि मैस्कुलिन अपने ड्रॉबैक्स जानकर अभी तक चुप रहा करते थे, लेकिन अब वो उस पर वर्क कर रहे हैं। उन्हें रीयूनियन के लिए प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी रीयूनाइटेड हैं, वो ऐसा फील करते हैं। उन्हें कभी लगता ही नहीं कि वो आपसे अलग है या आप उनसे दूर जा रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन्स, उन्हें कभी इस बात का एहसास ही नहीं होता कि वो आपसे अलग हैं। हर समय वो आपको चारों तरफ देखते हैं, अपने अंदर देखते हैं, और यही कारण है कि उन्हें फील ही नहीं होता कि आप उनसे कभी दूर हो सकते हैं। तो करेंट एनर्जी दोस्तों ये है, मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों अपनी ग्रोथ में रेडी हैं, हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में एंटर कर रहे हैं। आपका जो सेपरेट मोड जिस समय चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट है तब भी, और अगर कॉन्टैक्ट में है तब भी, आप दोनों के बीच अगर कोई सेपरेशन है तो ट्रांसपेरेंसी हमेशा रहेगी। आप एक दूसरे से बातचीत करेंगे और एक दूसरे से साफ साफ लफ्ज़ों में बताएंगे कि हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, या जिन चीज़ों पे या जिन वैल्यूज़ पे आप एक समान नहीं सोच रहे हैं वो एक दूसरे को जाहिर कर देंगे। और यहाँ पर दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे और अपने आप को परिवर्तन में लेके आएंगे। तो करेंट एनर्जी में मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों सेल्फ सोल ग्रोथ पे वर्क कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा पावरफुल टाइम ये है कि फुल मून जो कि 19th को है, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपके इमोशनल ड्रामास ख़त्म होने वाले हैं, और जो आप रिसीव करेंगे वो है सेल्फ पीस, और अपनी स्किल्स और पावर्स पे आपका बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस और बिलीफ बनने वाला है। रीज़न ये है, मैनिफेस्टेशन के पीक टाइम ये चल रहा है, और ऐसे में रीयूनियन आप हमेशा फील कर रहे हैं, बल्कि आप मर्जिंग फील कर रहे हैं। और मैं एक यहाँ पे पॉइंट ज़रूर ऐड करना चाहूँगी दोस्तों, करेंट एनर्जी में वो डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन जो सेम जेंडर से डील कर रहे हैं इन 3D वर्ल्ड, अगर लेडीज़ का लेडीज़ यानी फेमिनिन बॉडी का फेमिनिन बॉडी में अगर ट्विन पार्टनर है, या फिर मैस्कुलिन बॉडी में मैस्कुलिन के साथ यानी कि मेल पार्टनर दोनों अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो उन दोनों में भी एक कंप्लीट फीलिंग यहाँ पर सामने आ रही है। शिव शक्ति प्रयोजन में सभी मर्ज हो रहे हैं, और ऐसे में जो प्रकृति में एक ट्राइनिटी फॉर्म हो रही है, डिवाइन वर्सेस मैस्कुलिन वर्सेस फेमिनिन, ये ट्राइंगल जो बनने जा रहा है ये बहुत ज़बरदस्त पावरफुल चेंजेस लेके आएगा आपकी मैनिफेस्टेशंस में और आपके सोल मिशन में। तो इस पे वर्क करने की ज़रूरत है दोस्तों। आप समझ रहे होंगे कि इशारा क्या है, शिव शक्ति की एनर्जी अब बहुत फोकस में, जो हमारे ट्विन पार्टनर जो सेम जेंडर से डील कर रहे हैं, जो अपने आप को अभी तक कहीं हाइड करके रख रहे थे, उनकी मैसिव अवेकनिंग और सेल्फ जो रिलेशनशिप है उसके रिवील करने का वक्त आ गया है। तो आप देखेंगे कि आपके अंदर वो डर समाज के प्रति ख़त्म हो जाएगा और आप खुल के अपने जर्नी को एक्सेप्ट करेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी इस नए चेंज को बहुत पावरफुल तरीके से आगे लीड करेंगे और अपनी जर्नी को नया मिशन देंगे सोल मिशन के साथ। आप सभी को बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। और हाँ, ट्विन्स हमेशा हमेशा एक होते हैं, सिचुएशंस आती हैं, लेकिन हर सिचुएशन उनको फील कराता है कि उनका जो बॉन्ड है वो एंडलेस है, वो टूट ही नहीं सकता किसी भी रीज़न से। तो आप सभी को इस स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत सारा प्यार मिले ईश्वर का, और नई स्किल्स के साथ आप नई लाइट में आगे बढ़ें। इन्हीं दुआओं के साथ ओम नमः शिवाय, ओम शांति।